स्वागत करना चाहूंगा श्री वाहिनी के सर्वे सर्वन है अभी स्वागत। अभी हम लोगों के बीच में सफल साधु पहुंच चुके हैं, इनका भी काफी कमिटमेंट रहता है, कोर्ट में आधा काम छोड़ के आए हैं हम हमारे बीच में, इसे मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सफल साहब का। ये दर्द की ट्यूब है, ठीक है, इसे दर्द है मालिश कर लो, ठीक है, मेरे अंदर नहीं। मेरा नाम सकीना बी, मैं वार्ड नंबर 7 की पंचोर मोहाली पंचायत। मैम जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने भी बोला कि हमारे जो CRPF के हेड हैं उन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने कल से बहुत मेहनत से और लगन से यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और सुबह से बहुत सारे लोग जो है वो चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ हमारे घर में आके लोगों को दवाइयाँ वगैरह जो चेकअप वगैरह किया, तो इससे ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं CRPF के हेड का, उन्होंने बहुत अच्छा लोगों के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और सुबह से पूरे ब्लॉक से यहाँ पे पंचायत से नहीं पंचायत पंचायतों से लोग हर ब्लॉक से लोग नहीं होते हैं। ये जो मेडिकल कैंप लगा है CRPF की तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा कैंप लगा है और आज तक इस हमारे पहली दफ़ा ये कैंप आर्मी का जो बाबली के ऊपर लगा है, तो इसमें दवाई भी अच्छे तरीके से मिल रही है और चेकिंग भी अच्छे तरीके से हो रही है और उठना बैठना भी जो कर रहे हैं जो आर्मी के अफसर कर रहे हैं, तो ये मतलब है बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछा रहे हैं और दवाई भी जो बीमारी है उसको अच्छी तरह समझ गए और अच्छे तरीके से हमें दवाई मिल गई, तो हम इसलिए हम CRPF का सब आर्मी का CRPF का शुक्रगुजार हैं कि ये कैंप जो लगा तो इसने इन्होंने कह दिया कि पब्लिक की जो हेल्प की है और यहाँ काफ़ी बीमारी फैली हुई थी बुखार की, तो इसलिए मतलब है ये दवाइयाँ जो है यकीन है कि बीमारी में अब फ़र्क आ जाएगा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत तो श्री संदीप खिरवार IPS IGP CRPF जम्मू सेक्टर, श्री रमेश कुमार पांडे DIG रेंज जम्मू CRPF के मार्गदर्शन में एवं श्री मदन मोहन कमांडेंट 38 बटालियन CRPF के नेतृत्व में आज आपके बावली में गांव में मेडिकल कैंप जो लगाया गया है जो कि भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि हमारे जो आवाम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो कि अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के तहत हम
उस हमारी आवाम के जो गांव है, आपका घर है, वहां हम पहुंच के उनको मेडिकल चेकअप कर सकें, उनको दवाइयां वितरण कर सकें, जो कि यह पूर्ण तरह से मुफ्त में दवाइयां और चेकअप की जा रही हैं, जिससे कि वो स्वस्थ हो सकें और भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं कि सभी स्वस्थ रहें, और उनके जब हमारे जो आवाम स्वस्थ रहेगी तो उनका मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हमारे देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सीआरपीएफ की पूरी टीम जहाँ पे दो दिन से तैयारी कर रही है, तो आज जो मेडिकल कैंप लगाया है मुझे परसों पता चल गया था, और पूरी पंचायत को मैंने घर घर टेलीफोन किया, और हमारी पूरी पंचायत की टीम जो हमारे पंचीज हैं उनको उन्होंने बहुत मेहनत की है गैदरिंग के लिए, लोग सारे घर से निकले क्योंकि ये लोग घर हमारे घर में आके हमें चेकअप करने के लिए आए हैं। मैं जो सीआरपीएफ के हेड यहाँ पे आए हैं टूआईसी साहब, मैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी पूरी पंचायत की टीम की तरफ से कि उन्होंने ये जो आज हमारी पूरी पंचायत को दो तीन पंचायतें यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, पारकनगोट की है, निगाली की है, और पीछे आगे पीछे जो भी आए हैं सबका चेकअप हो रहा है और मेडिसिन भी दे रहे हैं इनको, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको अपनी पंचायत की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जो उन्होंने स्कीम पीछे से गवर्नमेंट ने निकाली हुई है ये आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं अपनी पंचायत की ओर से सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारे यहाँ निगाली साहब में एक चौकी थी हमारे बावली में, यहाँ पे 8 महीने यहाँ पे ये लोग रहे हैं यहाँ पे आके, और ये इतने कॉपरेट लोग हैं। मैं अभी साहब से बात कर रहा था कि आपके जवान जो जितने भी यहाँ पे उन्होंने हमारे पास टाइम निकाला है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि कहीं कोई कभी कोई शिकायत लगाई या किसी को गलत फहमी में डाला हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनकी इतनी तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, और इसका मैं कह सारा क्रेडिट जो आपके जो हेड है टूआईसी साहब में उनको जाता है। तो मैंने उनको बोला अभी तो मैं फिर अपनी तरफ से पूरी पंचायत की तरफ से सब आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारी पंचायत में आके आपने हमारे लोगों की हौसला अफजाई की है। थैंक यू।